हेलो स्टूडेंट्स, संजय सर हियर फ्रॉम सरके स्टडी सेंटर। टुडे वी वुड लाइक टू सी एग्जांपल 10 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का 1। मतलब क्वेश्चन इज लाइक दैट, मैंने क्वेश्चन भी लिखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। मतलब कि लेंथ ज्यादा है, आपको फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ। पहले इक्वेशन बनाते हैं, राइट? तो हम लोग सपोज जब करेंगे तो लेट जो छोटा है ना उसको सपोज करने का, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। अब इन लोगों ने बोला है कि जो इसकी विथ है वो वन मोर मतलब के ऐड करने का, वन डबल ट्वाइस ऑफ इस ब्रेथ जो लेंथ है, सॉरी योर लेंथ इज ट्वाइस वन मोर देन ट्वाइस ऑफ हिज ब्रेथ। मतलब कि हमने सपोज किया है उसकी विथ को एक्स, तो टू इंटू एक्स प्लस वन मतलब के उसकी लेंथ हो गई टू एक्स प्लस वन। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल उन लोगों ने बताया है 528। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब के एल इंटू बी इक्वल टू 528। इसकी लेंथ क्या है तो 2x प्लस 1, और इसकी ब्रेथ क्या है तो के x, दैट इज इक्वल टू 528। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब जो यहां पे उन लोगों ने एग्जांपल लिया है इसको सपोज करके, मतलब कि हम लोग इसीलिए लिया है कि डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं, हमको उनको बताना है कि व्हाट इज दैट श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, इसीलिए एग्जांपल 10 लिया है। क्वेश्चन 4 का 2, 4.1 का क्वेश्चन 2 का 1। तो ए आपका 2 है, बी आपका 1 है और सी आपका माइनस 528 है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट डी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 528। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 टू जा 8, 528 इंटू 8 करके देखो तो आपका 8 जा 64, 4224 आया। 4224 मतलब के आपका डेल्टा आया 4225। तो रूट डेल्टा इक्वल टू रूट 4225, आपको मैंने वो सिखाया था, राइट? के मान लो 35 का स्क्वायर 5 5 25 एंड राइट यहां पे ऐसा 3 4 12 ऐसा, तो यहां 4225 है, 4225। तो 25 का स्क्वायर रूट 5, और ये कौन से दो नंबर का है, 6 × 7, बट लोअर नंबर लेना है हमको। मतलब कि आपका रूट डी इक्वल टू अगर आप लोग देखेंगे तो 65 हुआ। अब आपको पता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी, या तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखते हैं इसको, राइट, अपॉन 2a, और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac है। क्या आपके पास माइनस बी है तो यहां है माइनस 1 प्लस 65। आपका a कितना है तो 2 माइनस 1 माइनस 65 2 इंटू 2, ये आपका 64 अपॉन 4 मतलब के 16 हुआ। ये आपका माइनस 66 अपॉन 4 मतलब के माइनस 33/2, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू n। मतलब के आपका x, दैट मींस आपकी विथ आ गई। व्हाट इज योर विथ, विथ x इक्वल टू 16, एंड व्हाट इज योर लेंथ, योर लेंथ इज 2 इंटू 16 प्लस 1, 2x प्लस 1 है ना, 33। और अगर आप लोग एरिया उसका देखेंगे तो एरिया रीचेक करते हैं, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी 33 × 16, तो आपका 528 मीटर स्क्वायर, ये रीचेक हुआ। दसाओ आपका एक इलास्ट्रेशन खत्म हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं इलास्ट्रेशन नंबर 12, एग्जांपल 12, जो आपकी टेक्सचुअल है, मतलब कि वो आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही करना है।
टेक्स्ट बुक में रेडीमेड है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज विड्थ इज 3 मीटर लेस देन इस लेंथ, विड्थ छोटी है। एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ ए आइसोसेलस ट्राइंगल विच इज बेस्ड एज राइट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ एन ऑल्टीट्यूड 12 मीटर फाइंड इज लेंथ एंड ब्रेथ। पहले मैं आपको राइट एरिया का सॉरी उनका डायग्राम बता दूं। ये आइसोसेलस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलस। नीचे अगर आप लोग देखें तो रेक्टेंगल है, मेरा स्क्वायर जैसा दिखता है बट रेक्टेंगल है। रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज विड्थ 3 मीटर लेस देन, एक्चुअली इसकी विड्थ मैं चलो थोड़ा आपके लिए ये ईएफ विड्थ को अगर एक्स ले तो ये भी एक्स हो जाएगा। लेंथ से 3 कम है, मतलब के लेंथ को 3 ज्यादा कर दिया। इन द शेप ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल विद इज बेस एज ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ऑल्टीट्यूड 12 मीटर का है, फाइंड इज लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम लोग पहले देखेंगे लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स मीटर, लेंथ 3 मोर देन इस ब्रेथ, मतलब के 3 प्लस एक्स हुआ लेंथ, लेंथ एक्स प्लस 3 और इसकी विड्थ एक्स और ये एक्स हुआ, बराबर। अब हमको पहले क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल That is equal to L into B, that is X plus 3 into X, मतलब के X square plus 3X. अब area of triangle find करेंगे, बराबर? Area of triangle, half into base into altitude. इसका base आपके पास है X, altitude आपके पास है 12. मतलब कि ये कितना हुआ 6x, इज दैट क्लियर? अब उनका आगे पढ़ो दैट एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट इज ऑलरेडी मेड। अगर आप लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर वो कितना ज्यादा है किससे, तो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल से कितना ज्यादा है 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस 4 मोर। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने पास है 6x और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपने पास है x square plus 3x, बस तो दोनों को मैच कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 मोर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको और इसको उस तरफ ले जाओ एंड हेंस x square plus 3x minus 6x minus 4 equal to 0, x square minus 3x minus 4 equal to 0, 4 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जो आपको 3 मिले, तो के 4 ones are minus 4x plus x minus 4 equal to 0, मतलब के minus 4 into 1 आपका मल्टीप्लीकेशन हुआ minus 4 बराबर, और minus 4 plus 1 देखो तो minus 3, ऐसे आप लोग सेग्रीगेट कर सकते हो, x common x minus 4 minus 1 common x minus 4, तो आपका x equal to 4 आया और x इक्वल टू माइनस 1 आया, दिस इज नॉट पॉसिबल, वेरी सिंपल। अब आपका एरिया जितना भी फाइंड करना है, किसका एरिया फाइंड करना है राइट, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलो क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या है x प्लस 3 इंटू एक्स है, 4 प्लस 3 7 इंटू 4 28 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं, हाफ इंटू एक्स इंटू 12, एक्स आपका कितना आया तो के 4, तो राइट 6 4 24 मीटर स्क्वायर, और अगर आप डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच का तो ये डिफरेंस 4 है, रिचेक हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका 28
एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 24 + 4, मतलब कि अपना आंसर एब्सोल्यूट सही आया, राइट। तो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 12। एग्जाम्पल 15, मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, मोटर बोट टेक्स 1 आवर मोर, एक घंटा ज्यादा लेता है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, मतलब डाउनस्ट्रीम भी 24 किलोमीटर ही हुआ सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, आपको स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है, बोट की स्पीड दे दी है। जब यहां पे आप लोग कैसे सेग्रीगेट कर सकते हो, ध्यान से सुनो सर, हाउ कैन वी नो कि चैप्टर 3 का है कि 4 का है, अगर दोनों स्पीड दे दे बोट की और स्ट्रीम की तो चैप्टर 3, क्योंकि एक अपस्ट्रीम एक्स प्लस एक्स माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम एक्स प्लस वाई आएगा, बट एक की स्पीड दे और एक की नहीं दे मतलब कि चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक, राइट। मोटर बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है स्टील वाटर में और ये एक घंटा राइट ज्यादा लेता है जब अपस्ट्रीम करे तब, राइट, और जब डाउनस्ट्रीम करे तो एक घंटा कम लेता है, डिस्टेंस सेम 24 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट ऑलरेडी गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, बराबर। अब अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम है 18 माइनस एक्स, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस, और अगर डाउनस्ट्रीम करते हैं डाउनस्ट्रीम तो इसमें प्लस होगा, अलोंग विद द फ्लो जाएगा, बोट की स्पीड को स्ट्रीम की स्पीड हेल्प करेगी, बराबर। अब टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम, टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 24 किलोमीटर और अपस्ट्रीम में 18 माइनस एक्स है, टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के लिए आपका है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। अब दोनों जर्नी अगर आप लोग देखेंगे राइट तो कौन ज्यादा टाइम लेता है, तो के अपस्ट्रीम ज्यादा टाइम लेता है, कितना टाइम ज्यादा लेता है, 1 आवर, तो 24 18 माइनस एक्स 1 आवर, राइट, सॉरी कौन ज्यादा टाइम लेता है, अपस्ट्रीम 24 अपॉन 18 प्लस एक्स माइनस 1, सॉरी प्लस 1, एक घंटा ज्यादा टाइम लेता है ना, किससे, ये आपका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से एक घंटा ज्यादा टाइम लेता है, तो इस तरफ आ जाओ 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1, एलसीएम लेंगे 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, कोई गलती से यहां पे एक्स माइनस 18 नहीं दे रहे, स्ट्रीम की स्पीड में से बोट की स्पीड, क्योंकि बोट पीछे जाने लगेगी, इसके पास ये नहीं है मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने का, और इसके पास ये नहीं है, इसको इस तरफ ले जाओ 24 इंटू 18, मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, प्लस 24x, यहां पे देखोगे तो माइनस 24 इंटू 18 जो कट होने वाला है, और ये माइनस माइनस प्लस 24x, और ये 1 इंटू 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ये दोनों गए 24 प्लस 24 48x, 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, 1 का तो 1 ही रहेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपको 1 रखना है तो रख दो, दूसरे स्टेप में ऐसा ही आएगा, दिस इज फॉर समथिंग स्टूडेंट दोज वर पुअर, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 48x माइनस 324,
अब मैं आपको कैसे करना है, मेरे पास आंसर है 54 6 जा, पर आपको कैसे पता चले, तो कि ये आपका 2 से डिवाइड करे तो 162, ये 81, ये 27, 9 3 और 1. अब देखो 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 जा 54, और बचे कौन 3 and 2 6, तो x स्क्वायर प्लस, आपको ट्रायल एंड एरर ऐसे करनी पड़ेगी. तो व्हाट इज कॉमन, x कॉमन x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन x प्लस 54, राइट, आपका जो प्लस है वो माइनस हो गया, नॉट पॉसिबल. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, 6 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड किसकी है, स्ट्रीम की. यहां पे आप चेक कर लो 24 अपॉन 18 माइनस 6, तो 24 अपॉन 12, ये 2 आवर्स लेगा. 24 अपॉन 18 प्लस 6, 24 अपॉन 24, ये 1 आवर लेगा. तो ये आपका 1 आवर ज्यादा लेगा, 1 आवर ज्यादा लिया ना, राइट, यहां पे ऐसा, ये 2 ये 1 प्लस 1 हो गया आपका. दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 17. अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, ऐसा पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क. ये सर्कुलर पार्क है, राइट, सर्कुलर पार्क है, ये आपका सर्कुलर पार्क है. अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क, और डायमीटर कितना है उसका 13, इन सच ए वे द डिफरेंस ऑफ इस डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमीटरली अपोजिट फिक्स गेट, एक गेट यहां पे है, एक गेट यहां पे है, राइट, ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर. इज इट पॉसिबल टू डू सो, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी पोल इरेक्टेड. तो लेट पी बी द रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ द पोल, लोकेशन ऑफ द पोल आपका यहां पे है, राइट, पी. नाउ बी गेट, राइट, यहां से बीपी आपका ये डिस्टेंस लेते हैं एक्स मीटर. मोर ओवर डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस यहां पे, राइट, ये आपका एपी 7 ज्यादा है, तो एक्स प्लस 7, डिफरेंस आपको 7 मीटर बोला है, पोल से एक गेट का डिफरेंस 7 है. आप इसको भी एक्स प्लस 7 ले सकते हैं, इसको भी एक्स ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स, राइट. और हमको डायमीटर दिया है 13, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस, राइट, इन ट्राइंगल ए पी बी मेजर एंगल पी इज 90, बिकॉज एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल. बराबर, अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अगर आप देखेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर आपका एक्स प्लस 7 द होल स्क्वायर, ये एक्स द होल स्क्वायर, 169 एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू जा 14 एक्स प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी उस तरफ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0. सब में देखेंगे तो 2 कॉमन है, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर ऐसे निकलेंगे 12 इंटू माइनस 5 माइनस 60, 12 माइनस 5 7, वेरी सिंपल. तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन x प्लस 12, हेंस जो नेगेटिव है माइनस 12 इज नॉट पॉसिबल. मतलब कि पहला जो गेट है बीपी का डिस्टेंस आपका, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5, तो बीपी इज 5, एपी
एक्स प्लस सेवन मतलब के 5 प्लस सेवन 12 मिलीमीटर। एंड रिजल्ट आपका आंसर आ गया। उन लोगों ने पूछा कि क्या पॉसिबल है, तो हम लोग बोलेंगे पोल हैज टू बी इरेक्टेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 और यहां पे एट 12। ए गेट से 12 और बी गेट से 5। दसाओ अपने जितने भी इलस्ट्रेशन है टेक्सचुअल सब खत्म हो गए, अब खाली अपना 4.4 एक्सरसाइज बाकी है। अदरवाइज चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम टेक्स्ट बुक विल बी ओवर लेटर ऑन।